सागर में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। SNCU में वारंवार खराब होने का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि एक और गंभीर आरोप डॉक्टरों पर लगा है। आपको बता दें कि एक्सीडेंटल केस में भर्ती एक मरीज को मौत के घंटे भर बाद भी बाटल चढ़ाए जाने और ब्लड चढ़ाने की बात सामने आई है। शाहपुर गाँव में बाइक और ट्रैक्टर की भिड़ंत के बाद घायल युवक को सागर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। यहाँ 21 वर्षीय युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, लेकिन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों द्वारा मृतक की मां से घायल युवक को ब्लड चढ़ाने की बात कह दी। मरीज को देखने के लिए पहुंचे लोगों ने शक होने पर घायल की नस और सांसें देखी तो युवक की सांसें बंद हो चुकी थी। युवकों ने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर से बात की, इसके बाद ड्यूटी डॉक्टर ने घायल युवक को मृत घोषित कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के हंगामे के बाद वहां से ड्यूटी डॉक्टर भाग खड़े हुए। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। निकल गए कॉलेज गए थे, क्या लापरवाही, ये क्यों, क्या हुआ तो बताएं। कल हम लोग हमारे भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष जी के कोई रिलेटिव का एक्सीडेंट हुआ था, तो हम लोग उनको देखने गए थे मेडिकल कॉलेज। तो जिस बेड पर उनको एडमिट किया उसके बाजू में एक बेड पर एक पेशेंट भर्ती था, तो उनके साथ एक बुजुर्ग महिला थी, वो बहुत रो रही थी। तो हम लोगों ने मानवता के नाते उनसे पूछा कि माता जी क्या हुआ है, तो बोली हमारे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है और 6:30 बजे से यहाँ एडमिट है। तो फिर हम लोगों ने डॉक्टर साहब को बुला के पूछा, जो ड्यूटी पर डॉक्टर थे, उनसे हमने पूछा कि डॉक्टर साहब क्या प्रॉब्लम है इनके लिए। तो बोले इनको 5 बॉटल ब्लड की ज़रूरत है, इस बच्चे का ऑपरेशन होना है और अगर इसको 5 बॉटल ब्लड नहीं मिलता है तो इसकी डेथ हो जाएगी। तो हम लोगों ने कहा, हम लोगों के पास करीब 30-35 लड़के थे, तो हमने कहा 5 नहीं 10 बॉटल लग जाए, इसकी जान बचाना ज़रूरी है, तो डॉक्टर साहब आप ब्लड की अरेंज कीजिए, हम लोग ब्लड डोनेट करने को तैयार हैं। तो हम लोग जैसे ही पास में गए और बच्चे को मैंने देखा तो उसकी नब्ज जैसे हमने टटोली तो उसकी हार्ट बीट और पल्स बिल्कुल बंद हो चुकी थी। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब इसको देखिए, मुझे तो लगता है ये बच्चे की डेथ हो चुकी है और आप बॉटल वगैरह लगाए हुए हैं। तो डॉक्टर साहब ने आके फिर हम लोगों ने जब बोला तो डॉक्टर साहब बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप तो ब्लड की व्यवस्था कीजिए। हमने कहा एक बार आप चेक तो कीजिए। तो डॉक्टर साहब ने जैसे ही उसका ECG किया तो बोले ये तो डेथ हो गई। मैंने कहा सर आप बोल रहे हैं कि इसका ऑपरेशन होना है, आप बॉटल भी लगाए हुए हैं। मैंने कहा ये तो घोर लापरवाही है, उस माँ को भी नहीं बता रहे जिसके भी दोनों बच्चे हॉस्पिटल में पड़े हुए, एक की डेथ हो गई और दूसरा तिली हॉस्पिटल में भर्ती है। आप कम से कम उसको बता देंगे तो वो कम से कम इस मरे हुए बच्चे को छोड़ के जो जिसकी जान बच सकती है उसके पास तो चली जाएगी। तो इतने पर डॉक्टर बोले अरे आपको क्या करना है, आप अपना काम देखिए और आप अपने पेशेंट को देखिए। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये भी एक व्यक्ति है, आप लोगों की क्या संवेदनाएं मर चुकी है, एक इंसान मर गया है और आप उसकी डेड बॉडी को बॉटल लगाए हुए हैं। कितनी देर से लगाए हुए थे उसको? कम से कम उसकी मेरे हिसाब से कम से कम 1 घंटे हम लोग वहीं रुके, 1 घंटे पहले उसकी डेथ हो चुकी थी, उसके बाद भी मरे हुए व्यक्ति के लिए बॉटल लगाए हुए हैं। इसके बाद डॉक्टर लोग आप लोग को गुंडागर्दी बताने लगे। इसके बाद हमने जैसे ही डॉक्टर साहब को बोला कि ये गलत है तो उनने अपने लड़के बुला लिए। तो मुझे तो लगता है डॉक्टर लोग इलाज करने के नहीं बल्कि गुंडागर्दी करने के लिए वहाँ नौकरी कर रहे हैं। और आजकल मैं 2-3 बार और ऐसा देख चुका हूँ कि जब भी किसी पेशेंट के साथ कोई अनहोनी होती है डॉक्टर लोग सब हावी हो जाते हैं, पूरी टीम बुला लेते हैं। मैंने जब डॉक्टरों को बोला कि ये गलत है, मानवता के को आप शर्मसार कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी पूरी टीम बुला ली लाठी डंडों के साथ। से बात हुई थी, डॉक्टर का नाम मालूम आपको? सर डॉक्टर का नाम नहीं मालूम, पर वीडियो में उनका चेहरा है और उसके हम लोगों ने बाकायदा वीडियो बनाए हुए हैं और हम लोगों ने पुलिस और प्रशासन को भी सूचित किया हुआ था। क्या नाम? मैं नरेंद्र सिंह सूर्यवंशी, भीम आर्मी जिला उपाध्यक्ष। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।